وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ये किताब बरकत वाली है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानिशमंद लोग इसकी आयतों में गौर व फिक्र करें और नसीहत हासिल करें। اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعليه وسلم। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। सामने कराम सूरह नहल आयत नंबर 97। आज के सबक का एक ही मौजू है, वो ये है कि अमल सालेह से मुराद क्या है। आइए सामने कराम आज के सबक का आगाज करते हैं। सबसे पहले गुज़श्ता सबक की दोहराई होगी। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि थमनन क़लीला إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون। اور اللہ کے عہد حقیر سی قیمت یعنی دنیاوی مال و دولت کے عوض مت بیچ ڈالا کرو، بے شک جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس راز کو جانتے ہو۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو مال و زر تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے، اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر عطا فرمائیں گے ان کے اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے رہے تھے۔ سامعین کرام سورہ نحل آیت نمبر 97، لفظی ترجمہ من عمل صالحا، جس نے بھی عمل کیا نیک، من ذکر او انثی، وہ خواہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط کیا ہے؟ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ایک بہت اچھی زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے، اجرہم، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو اچھا عمل کرتے تھے۔ سامنے کرام جو آیت ہم پڑھ ترجمہ ہم نے پڑھا ہے بہت بنیادی ہے۔ اس میں تین چار مضامین ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمل صالح ہے کیا چیز، یعنی اس یہ تفصیل طلب ہے مسئلہ۔ پھر مردوں اور عورت کا تذکرہ ہے، پھر ایمان کا تذکرہ ہے، پھر ایک اچھی زندگی کا تذکرہ ہے۔ یہ تمام معاملات ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عمل صالح کیا چیز ہے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے۔ عمل صالح، اچھا عمل، نیک عمل۔ سامنے کرام اچھے اعمال کون سے ہیں، برے اعمال کون سے ہیں؟ دیکھیں ایک بات جو ہے بہت آسان ہے، اگر آپ صحیح گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور صحیح گاڑی میں بیٹھ گئے جو آپ کی منزل، جو آپ کو منزل کی طرف لے جا رہی ہے، یا جس کا جو سیدھے راستے پر ہے، جو آپ کے منزل مقصود کی طرف جاتی ہے، اگر آپ اس میں بیٹھ گئے ہیں تو گاڑی
आहिस्ता चल रही है, ये तेज चल रही है। तो इस पे यानी बहरहाल आपको ये मंजिल पे पहुंचा देगी। यानी सारा सफ़र, जो सफ़र का एक एक सेकंड है वो सही और दुरुस्त सिमत में है। ये मैं एक मिसाल कायम कर रहा हूँ सामिन इकराम, इसको ज़रा समझ लें। देखें, हम मिसाल के तौर पे हमारी एक मंजिल है, मैं मर्दान में हूँ, मिसाल के तौर पे मैं मर्दान से हूँ और मेरा काम है पिंडी का, मैं पिंडी में मेरा काम है। अब मैं लारी अड्डे जाता हूँ और वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की बसें हैं, जो हर एक को अपनी अपनी मंजिल की तरफ ले जाती हैं। मुझे अपनी मंजिल याद है, अल्लाह, मुझे अपनी मंजिल याद है कि मैंने कहाँ जाना है, और फिर मैं उस दुरुस्त गाड़ी का इंतखाब कर लेता हूँ। ज़ाहिर है हर एक जो है आपका कभी इत्तेफाक हुआ होगा बस के अड्डे का, जो उसमें मुख्तलिफ लोग, ये लो ग्रेड के जो अड्डे होते हैं ना, लारी अड्डे, उसमें से लोग जो है वो एक कार्ड, जो हैंड कार्ड उनके पास होता है, एक लकड़ी पे एक वो तख्ता लगा के उस पर उस मंजिल का नाम लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब जाता हूँ, मुझे एक आदमी मिलता है, उसके हाथ में पिंडी का है, दूसरे के हाथ में है गुजरावाले का, तीसरे के हाथ में लाहौर का, तीसरे के हाथ में स्वात का, तीसरे की चौथे के हाथ में पिशावर का। तो अब जाहिर है कि मैं अपनी मंजिल मुझे मालूम है और मैं सही गाड़ी में बैठ के सही ड्राइवर के साथ बैठ जाता हूँ और फिर चलता हूँ। तो अब जो सफ़र का ये सारा दौरानिया है, ये सही, चूँकि मैंने मंजिल का इंतखाब सही कर लिया है और वो मंजिल की तरफ गाड़ी बढ़ रही है, तो उसका एक एक सेकंड सही है। लेकिन अगर ऐसा ना हो और मेरा काम, मेरी मंजिल पिंडी में है और मैं धोखा खा के पेशावर की गाड़ी, जो कि बज़ाहिर बहुत खुशनुमा लग रही है, बज़ाहिर खुशनुमा लग रही है, जो कि पिंडी वाली गाड़ी से, मैं सख्त गर्मी की हालत में हूँ, पिंडी की वाली गाड़ी में एसी नहीं है और इसमें एसी है पेशावर वाली गाड़ी में, और नए मॉडल की भी है, मुझे वो बहुत भाती है। तो वो मैं फिर धोखा खा जाता हूँ, बेवकूफ़ बन जाता हूँ, अपने आप को बेवकूफ़ बना लेता हूँ, पेशावर की गाड़ी में बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे वक्ती आराम तो मिल जाएगा, वक्ती आराम मिल जाएगा, लेकिन मेरी वो मुझे तो मेरी मंजिल नहीं ले जा रही। तो अगर मैं पेशावर की गाड़ी में बैठ गया मिसाल के तौर पे, और तो उस सफ़र का एक एक लम्हा अपनी मंजिल से मुझे दूर करता जाएगा सामिन क्राम, मेरी मंजिल दूर होती जाएगी उससे, यानी मैं भटक गया। अगर मैं भटक के गलत गाड़ी में जा बैठा तो एक एक सेकंड जो है इसका फिर गलत मंजिल की तरफ मुझे ले जाएगा, और अपनी मंजिल से ज़ाहिर है कि वो बौदल मशरक़ैन है ना, पिंडी अलग सिमत है और पेशावर की अलग सिमत है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है सामने का, मैं आपको ज़्यादा उलझा नहीं था, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ एक बात, जो आयत है बहुत अहम आयत है, मन आमिल सवालह मिन ज़कर और उनसा, अमल सवालह की मैं बात करूँ, अमल सवालह है क्या चीज़, और हमारे आमाल कब अमल बद बनते हैं, कब अमल सवालह बनते हैं, इस बात को ज़रा नोट कर लें सामने कराम, इस बात पे सोचें जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ और ख़ूब गौर करें। असल में बात यह है कि असल जो दारोमदार है वो नियत पर है। ज़िंदगी एक सफ़र है, मौत तक हमने ये सफ़र तय करना है। अगर हमने इसकी नियत सही कर ली, यानी सही गाड़ी में बैठ गए, अपनी मंजिल का मालूम कर लिया कि हमने कहाँ जाना है, फिर सही सिमत वाली जाने वाली गाड़ी में बैठ गए, ठीक है, उसको किराया दे दिया और उस गाड़ी में बैठ गए, तो अब जो सफ़र शुरू होगा, जो कि दुरुस्त मैंने इंतखाब किया है, जो कि बज़ाहिर उसमें एसी वगैरह नहीं है, लेकिन मैंने इंतखाब दुरुस्त कर लिया, गाड़ी चल पड़ी, तो इस गाड़ी के सफ़र का एक एक सेकंड जो है मुझे अपनी मंजिल से
करीब ले जा रहा है, लेकिन अगर मैं ने धोखा खा लिया और बैठ गया स्वाद की गाड़ी में, जाना कहाँ है? पिंडी। बैठ मैं कौन सी गाड़ी में गया? स्वाद की गाड़ी। क्यों? मुझे वो अच्छी लग रही है, सख्त गर्मी है और मैं कह रहा हूँ 3 घंटे का सफ़र है स्वाद का, यानी पिंडी का भी 3 घंटे का और ये भी 3 घंटे का है, तो मैं क्यों ना आरामदेह गाड़ी में बैठ जाऊँ। और पिंडी वाली गाड़ी मुझसे किराया भी मांग रही है और स्वाद वाली गाड़ी मुझसे किराया नहीं मांग रही, कहती मैं तुम्हें मुफ्त ले जाऊँगी। तो अगर मैंने धोखा खा लिया तो और गाड़ी में बैठ गया और सफ़र मैंने शुरू कर दिया, तो उस सफ़र का एक एक सेकंड जो है सामने कराम मुझे अपनी मंजिल से दूर ले जाएगा। तो देखें, मैं दोबारा अपने मज़मून की तरफ आता हूँ। हम इंसान आया है दुनिया में और ज़िंदगी एक सफ़र है, और सफ़र देखें हमारी मंजिल अल्लाह की ज़ात है। ओह, परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्द राहों वो कारवां तू है। तो हमारी मंजिल अल्लाह है, मुलाकात रब से मुलाकात। फमन कान यर्जु लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, जिससे जिसकी उम्मीद हो अपने रब से मिलने की, मुलाकात की, उसको चाहिए कि अमल सालेह करे। यहाँ भी अमल सालेह का तस्करा है। बस थोड़ी सी मेरी गुजारिश है, ये बात ज़रा जहन नशीन कर लें कि सबसे पहले सफ़र का नहीं करना, गाड़ी का इंतखाब करना है, मंजिल का इंतखाब करना है। अगर ये मंजिल गलत हुई और ज़िंदगी हम गुजारने लगे तो फिर यह है कि सारा सफ़र बेकार जाएगा आपका। मकसूद ज़िंदगी गुजारने का अगर अल्लाह नहीं है, आखिरत की कामयाबी नहीं है, तो अब जो सफ़र भी आप करेंगे, वो जो काम भी आप करेंगे, जो ज़िंदगी भी आप गुजारेंगे, वो ला हासिल है। वहबता मा सनाउ, वो ज़ाया हो जाएगा, सब कुछ ज़ाया, वो सफ़र ज़ाया हो जाएगा। अगर उस सफ़र में आपने मिसाल के तौर पे आप कोई अच्छे काम भी कर रहे हैं, मंजिल गलत है, मकसद गलत है, अगर कोई अच्छे काम कर रहे हैं तो वो उनका अंजाम क्या होगा, उसका क्या बनेगा, तो अल्लाह ताला ने वो भी बता दिया है। वक़दिमना इला मा अमिलु मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, इनके सामने वो रोज़े क़यामत में वो सारे नेक आमाल मैं ले आऊँगा। वक़दिमना, इनके आगे मैं ले आऊँगा जो भी अमल इन्होंने नेक किया होगा, तो फिर क्या होगा? फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, इसको मैं एक उड़ती हुई धूल बना दूंगा। वहबत मा सनऊ व बातिल मा कानू यामलू, देखिए इन नमल दीन का एक बुनियादी उसूल है, जुज है, इन नमल आमाल बिन नियत, आमाल का दारोमदार नियत पे है। जिंदगी गुजारने की नियत, मैं बिल्कुल वाज़े अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि देखें हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें हमारी नियत क्या है। हम अपना मुस्तकबिल दुनिया ही को करार दे रहे हैं, नियत क्या है? दुनिया है, दुनिया की कामयाबियां हैं। मुस्तकबिल हम किसको समझते हैं? दुनिया ही को समझते हैं। दुनिया को मकसूद अगर हमने बना लिया, इसको पसंद करने लगे, इस दुनिया और जो कुछ इसमें है, ये अल्फाज मैं मुख्तसर अदा कर रहा हूँ, आप देख लें, जो कुछ दुनिया और जो कुछ इसमें है, इसमें मेरी अपनी जाहिर ज़ात भी है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, माँ हैं, बाप हैं, भाई है, बहन है, दुनिया, फिर मेरा कारोबार है, मेरा ओहदा है, मेरी दौलत है, मेरे कारखाने हैं, मेरी गाड़ियाँ हैं, दुनिया और माफीहा को मैंने पसंद कर लिया, बहैसियत मकसूद उसको मकसद बना लिया कि मैंने बहुत से पैसे जमा करने हैं, मिसाल के तौर पे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, दुनिया ही को आपने अपना मुस्तकबिल करार दे दिया, दुनिया ही के लिए आप कोशिश करते रहे और सारी कोशिशें आपकी दुनिया के लिए वक्फ हो गई। ज़ाहिर है आपने नियत दुनिया की कर ली, आपने मुस्तकबिल अपना दुनिया को समझ लिया,
अब तो सारी कोशिशें आप दुनिया के लिए करेंगे, अल्लाह ताला की याद को तो आपने भुला दिया। तो अब नियत अगर दुनिया की हो गई तो आप उस तरफ, यानी दुनिया की नियत करके अब आपने कलमा भी पढ़ा हुआ है, आपके माँ बाप मुसलमान थे, आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, नमाज़ें आप पढ़ रहे हैं, माथे पे दागे सजदा भी लगा लिया आपने, रोज़े भी रख रहे हैं, झूठ भी नहीं बोल रहे मिसाल के तौर पे। तो बहरहाल, तो नियत आपकी दुनिया हो गई, दुनिया में रहने की नियत दुनिया हो गई, महबूब दुनिया हो गया, दुनिया और माफीहा जो कुछ इसमें है ये आपको पसंद आ गया कि हाँ ये ओहदा प्यारा है, ये माल प्यारा है, ये बच्चे प्यारे हैं, ये बीवी प्यारी है, ये शोहर अच्छा है, ये घर अच्छा है, ये गाड़ी अच्छी है, ये अगर आपको पसंद आ गई तो फिर यह है कि अब आप अपने आप को फारिग समझें आखिरत से, आखिरत में कामयाबी से फारिग समझें। सामने कराम वो सारे नेक आमाल, अब आप जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो रोज़े रख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन सब को ले आएगा और उसको एक उड़ती हुई खाक बना देगा। कुरान की आयत मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। नियत, इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत आपकी दुनिया थी, उम्मीदें भी दुनिया से थी, उम्मीदें भी दुनिया से लगा, दुनियावी अहदों से, दुनियावी कारोबार से, इससे आपने उम्मीदें लगा रखी थी, दुनिया ही आपकी खुशी और खफगान का बाइस थी, दुनिया की कामयाबी पे आप खुश होते थे और नुकसान पे आप खफा होते थे। तो फिर यह है कि इसका नतीजा क्या हो, इसका नतीजा तो ये होगा कि आपकी सारी कोशिशें ज़ाया हो जाएंगी। कुरान की ज़बान से मैं बयान कर रहा हूँ, समझ कर, और मैं इस पर आपको दलील भी देता हूँ। فَأَعْرِدْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا। اے رسول آپ اس شخص سے منہ موڑ لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے اور اب یہ کیا چاہتا ہے، لم يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کے علاوہ تو کوئی اس کی خواہش ہی نہیں ہے، نہ جنت جانے کی خواہش ہے، نہ دوزخ سے بچنے کی خواہش ہے، عملاً نہ جنت جانے کے کام کر رہا ہے، نہ دوزخ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، حرام حلال کی تمیز اٹھ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی زبردست کوششیں ہو رہی ہیں، من حیث القوم، آپ دیکھ لیں میڈیا ہے، آپ کے ادارے ہیں، سارے اداروں میں کرپشن، رشوت، پھر میڈیا میں فحاشی، عریانی، بے مقصدیت، میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے سامنے کا، قرآن کو ہم نے بھلا دیا ہے، وہ معمول کے جو وہ ہیں، بس آپ نماز کا وقت آیا آپ نے اٹھک بیٹھک کر لی، یہ اعمال جو ہیں اگر اللہ مقصود نہیں ہے تو یہ نیک اعمال کسی کام کے نہیں آئیں گے۔ فَأَعْرِدْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے منہ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب یہ چاہتا کیا ہے، لم يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا ہی کی زندگی، زندگانی کا طالب ہے، دنیا ہی کو چاہتا ہے، دنیا ہی سے محبت ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیے، من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، واتبع ہوا، اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، خواہشات نفس۔ آج دیکھیں ہم سامعین کرام، اس میں تو کوئی دلیل کی خاص ضرورت نہیں ہے، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کو ہم تیار نہیں ہیں، اس کے احکامات کے سامنے جھکنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ دیدہ دانستہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، دیدہ دانستہ احکام دین کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر کیا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ،
منچاہی زندگی گزارے۔ وکانہ امرہ فرطا، اس کا کام جو ہے افراط و تفریط پہ مشتمل ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ نقصان کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ ہاں بتائیے۔ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گم ہو گئیں ساری کوششیں دنیا ہی کی زندگی میں، ساری کوششیں دنیا ہی کے لیے بس یہ کوشش کرتے رہے، ساری زندگی دنیا کے لیے کوشش کرتے رہے، آخرت کو بھول کے دنیا ہی کے لیے زندگی، دنیا ہی کے لیے کوشش کرتے رہے۔ ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، سامعین کرام قرآن پیش کر رہا ہوں میں، اپنی رائے اپنی اللہ تعالیٰ میں سے بچائے قرآن پیش کر رہا ہوں، اور بالکل صاف ہے یہ قرآن۔ بالاخسرین اعمال، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے، اور یحسبون انہم یحسنون صنعا، خیال ان کا کیا ہے کہ بھئی میں نے تو ابھی نماز پڑھی ہے، ابھی رمضان کے روزے رکھے، پچھلے سال ہی تو حج کو گیا تھا میں، اور یہ ابھی 2.5 لاکھ روپے میں نے زکوٰۃ بھی دی ہے۔ گمان ان کا یہ ہے، کوششیں دنیا کے لیے ہیں، اللہ مقصود نہیں ہے، آخرت کی کامیابی مقصد زندگی نہیں ہے، ترجیح دنیا ہے، اور یہ بالکل واضح ہے سامنے کا، کوئی اس میں وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اکثریت کی ترجیح جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت پر دنیا کی زندگی کے بدلے، یعنی آخرت کے بدلے ہم دنیا کو انتخاب ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو یحسنون انہم یحسنون صنعا، کوئی اچھے اعمال کر رہے ہیں، بظاہر نیک اعمال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تو ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ اولئک الذین کفروا بلقاء ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی ملاقات سے عملاً انکار کر دیا، تیاری نہیں کر رہے، تیاری تو دنیا کی ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جو درست آیت ہے وہ یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات سے انکار کر دیا، کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات سے بھی عملاً انکار کر دیا، کوشش ہی نہیں کر رہے اس کی۔ اب جو ان کے نیک اعمال ہیں، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، یہ جی 50 سال کی نمازیں ہیں رکھو بھائی، کوئی وزن ہی نہیں ہے، یہ 50 کروڑ روپے انہوں نے زکوٰۃ میں دیے ہیں رکھو بھائی میزان عدل میں، کوئی وزن ہی نہیں ہے، یہ جناب 40 انہوں نے حج کیے ہیں اپنی زندگی میں رکھو بھائی، کوئی وزن نہیں ہے، یہ روزے رکھے ہیں 50-60 سال کے رکھو بھائی فرض روزے، کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کوئی وزن ہی نہیں ہوگا اس کا۔ حبت ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون، سامعین کرام ذرا سوچ لیں، پوچھ لیں کسی سے، کسی صحیح بندے سے پوچھ لیں، اور ادھر ادھر سے نہ پوچھیں، میرے جو میرے جیسے نہیں جانتے نا، جو عالم نہیں ہیں ان سے نہ پوچھیں، جو صحیح عالم ہے، عالم ربانی ہے، اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ میں بے مقصد زندگی گزار رہا ہوں، کوئی اس کا حاصل اصول ہے؟ تو پھر وہ آپ کو جواب دے گا جو بھی ہوگا۔ تو بہرحال یہ عمل صالح کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ عمل صالح ہے کیا۔ اگر مقصود مقصد حیات اللہ ہے، اللہ کی ملاقات ہے، آخرت کی کامیابی ہے، یہ مقصد ہے زندگی کا آپ کی، پھر آپ نے صراط مستقیم کا انتخاب کر لیا ہے زندگی گزارنے کے لیے آپ نے صراط مستقیم کو منتخب کر لیا ہے کہ میں نے سیدھے راستے پر چلنا ہے، اگرچہ اس میں میرا بظاہر نقصان ہی کیوں نہ ہو، میری مال و جان اللہ کی ہے، تو آپ نے انتخاب کر لیا اپنی مال و جان کا، مال و جان کی قربانی کا،
कि ठीक है मेरा मंजिल जो है वो अल्लाह है। फिर आपने सिरात मुस्तकीम का इंतखाब कर लिया, एक रहनुमा की रहनुमाई में उस रास्ते पर चल पड़े। ये ज़रूरी बात है सामने करूँ कि ख़ुद अगर अल्लाह के रास्ते में अगर आपने अपने रहनुमा का कोई इंतखाब नहीं किया है तो आप नहीं समझ सकते, दीन को आप समझ ही नहीं सकते। नहीं, रहनुमा होना चाहिए आपका। वत्तबे सबील मन अनाब इलै, जो मेरी तरफ रुजू कर चुका है उस शख्स की पैरवी करो। तो हुजूर का के उसवा हसना को रोल मॉडल बना के, सीधे रास्ते का इंतखाब करके, अल्लाह ताला को मकसद हयात बना के सीधे रास्ते पर आप चल पड़े। अब जो सफ़र आपका गुजरेगा, अब जो अमल भी ज़िंदगी में आप करेंगे वो नेक अमल है। अब उसमें आप ज़ाहिरी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, मकसद सही हो गया। अब आप ज़ाहिरी तालीम हासिल कर रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बने, आप कारखाना लगा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आप वज़ीर आज़म बन गए, सदर बन गए, जर्नल बन गए, बने। मकसद आपका अल्लाह है तो ठीक है, आप करें। जो काम भी करेंगे वो अमल सवाले होगा। आप जवान हैं और एक ख़ानदान बना रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं, लड़की का इंतखाब करके शादी बनाएं, घर बसाएं अपने, करें, सवाब है। बच्चे पैदा कर रहे हैं, सवाब है। बीवी को अच्छे तरीके से रख रहे हैं, सवाब है। दुकान कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सवाब है, अमल सवाले है। जो काम भी कर रहे हैं वो सवाले है। हर सेकंड मैं आपको कह रहा हूँ, हर सेकंड आपको मंजिल से करीब कर देगा। हर दिन जो आने वाला दिन है वो गुजरे हुए दिन से बेहतर होगा, आप बेहतर मुकाम पे होंगे। अगर कोई ऐसा ना हुआ तो फिर आप नुकसान में रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है वो नुकसान में है, जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है वो नुकसान में है। तो हर आने वाला दिन आपकी परवाज जारी है। आप काम तो दुनिया के कर रहे हैं, ठीक है, ये दुनिया है इसीलिए कि इसको आप इस्तेमाल करके आखिरत का फ़ायदा तलाश करें, अल्लाह ताला को राज़ी करें। खाना खाएं सुन्नत के तरीके से, हलाल रिस्क खाएं सुन्नत के तरीके से, कपड़े पहने नए कपड़े पहने, अपना गेटअप सही करें, सुन्नत के मुताबिक गेटअप बनाएं अपना। आप घर अपना घर बना लें, अच्छा सा घर बना लें अपने लिए, अच्छी सी गाड़ी रख लें, अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छे ओहदे हासिल करें, करें। हर अमल सवाले अमल होगा। खाना खाएं, अच्छे खाने खाएं, अल्लाह ताला ने आपको जितनी वसत दी है खाने खाएं, अच्छे कपड़े पहने सब। तो हर अमल आपका जो है वो नेक अमल है, वो इबादत है सामने का, क्योंकि हर काम में हर लम्हे आप अल्लाह ताला की याद को आप भुलाते नहीं हैं। तो ये सामने कराम वो बातें हैं जो याद रखने की हैं। और आज मेरे ख़्याल से इस यहाँ पे मैं इस सबक का इख्तिताम कर लेते हैं। इंशाल्लाह अगले दर्स में मज़ीद इस पे बात करेंगे। अभी आप मैं तिलावत करता हूँ, आप मेरे साथ दोहराइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون। ترجمہ سنا دیں۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى, जिसने भी नेक अमल किया तुम में से, वो चाहे मर्द हो या औरत, वह मोमिनुन, शर्त यह है कि वो मोमिन हो। फलानुहयिन्नहु हयातन तोयिबा, उसको हम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम,
और हम ज़रूर बदला देंगे उनको उनका अजर बे अहसन मा कानु यामलून, उन आमाल का बहुत अच्छे तरीके से जो वो करते थे। सामिन इकराम, अब इस आयत की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Whoever works righteousness, whether male or female, while being a believer, we will grant him a good life, and we will reward them according to the best of what they used to do. Iske saath hi aaj ke dars ka waqt ikhtitam ko pahuncha. Inshallah agle dars mein mulaqat hogi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.